ये कहानी है उस वीर की जो दुश्मन के 60 टैंकों को अकेले ही उड़ा देते हैं। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद 1965 के जंग के अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता की जो भारतीय लोगों के दिलों में अभी भी जिंदा है। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 गांव धमूपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी मोहम्मद उस्मान जो पेशे से दर्जी थे और उनकी माता सकीना बीबी जो पेशे से गृहिणी थी। वीर अब्दुल हमीद को बचपन से आर्मी में जाने का सपना था। वे 20 साल की उम्र में इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में वाराणसी में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। वे अपने कर्तव्य को पूरा करते थे और जी जान से देश की रक्षा करते थे। एक बार 19 सितंबर से 10 सितंबर 1965 खेमकरण में दुश्मनों के बीच एक युद्ध होती है। उस युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाकर अकेले ही उनके 60 टैंकों को उड़ा देते हैं और खुद समर में अमर हो जाते हैं। अब्दुल हमीद के उनके परिवार में उनकी एक बीवी और 4 बच्चे हैं। अब्दुल हमीद शहीद होने के बाद उन्हें उनकी बीवी के हाथों रसूलन बीवी के हाथों 2014 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने परमवीर चक्र से नवाजा था और पहले भी इंडियन आर्मी ने उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट और सामान्य सेवा पदक 1965 से नवाजा था। 20 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में ₹3 का एक डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट पर रिकोलेस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर बनी हुई है। तो ऐसे वीर अब्दुल हमीद को बहुत सारे मेडलों से और इनके याद में एक स्टैचू बना गया है और जो इनकी जीप है रिकोलेस राइफल से गोली चलाती हुई जीप को एक म्यूजियम में रखा गया है। तो ये थी वीर अब्दुल हमीद की एक छोटी सी गाथा जिसे अभी भी भारतीय लोग याद करते हैं। ये थी छोटी सी कहानी वीर अब्दुल हमीद की 1933 से लेकर 1965 तक के खेमकरण युद्ध तक की कहानी।